सिर्फ अमल ही मोहब्बत के खलूस की तस्दीक करते हैं। अल्फाज तो सब फलसफा हैं। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, और खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत होती, सोच बदलती है तो मंजर भी साफ दिखाई देने लगता है और पस मंजर भी। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। किसी की बेटी पर उंगली उठाने से बेहतर है कि अपनी बेटी के नसीब से डरा जाए। बेशक तुम जो बोते हो वही काटते हो। अक्सर लोग किसी अहमक से बहस करके ये साबित कर देते हैं कि एक नहीं बल्कि दो अहमक बहस कर रहे हैं। मुखलिस थे तो तन्हा रह गए, मतलबी होते तो हजूम होता। सबसे बड़ी हकीकत, सिर्फ एक ही शख्स है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। ऐसे लोगों से बचो जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। लोगों की फितरत समझकर उन्हें डील करोगे तो दिल ज्यादा नहीं दुखेगा। मौत को मैंने कभी देखा तो नहीं, पर यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। जो भी इससे मिलता है जीना छोड़ देता है। नमक के जैसे हो गए हैं हम, अपने ही लोग हस्पे जायका इस्तेमाल करते हैं। अकल और जुबान का बिल्कुल उल्टा ताल्लुक है। अकल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी। खुशी के 5 उसूल हैं। नफरत करने वाले मत बने, ज्यादा फिक्रें मत पाले, सादगी अपनाएं, ज्यादा देने वाले बने और तवक्कुआत कम रखें। कहते हैं कि हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। बाज़ औक़ात इंसान को अपनों से ना नफरतों की वजह मिलती है और ना मोहब्बतों का सिला मिलता है। खुश रहने का सिर्फ एक ही राज, उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से रखो, किसी इंसान से नहीं। सबका सफर जिंदगी और सबकी मंजिल मौत है, फर्क बस मंजिल तक पहुंचने के वक्त का है। जिंदगी को जियो, गुजारो नहीं।